शुरुआत करते हैं एक और नया सफ़र। टैक्सी ने जस्ट अभी उतारा, इट्स राइट नाउ 155 एंड वी आर राइट नाउ इन टर्मिनल 2 गेट नंबर 3। तो चलते हैं, हमारी नई शुरुआत एक और नए ट्रिप की शुरुआत हो रही है। इट्स राइट नाउ इन सितंबर, तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। कहाँ जाएंगे इस बार हम? ले जयपुर, अहमदाबाद, श्रीनगर या कहाँ जाएंगे देखते हैं। अभी हमारी टीम मेट आ जाए इस बार, तुम्हारे से बहुत सारे नए नए बंदे जा रहे हैं भाई। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। गाइस हमारे साथ वाले साथ ही आ चुके हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेट, थोड़े डीमोटिवेट बेचारे, अकेले जा नहीं सकते थे, फैमिली के लेके साथ जाना था, नहीं तो बेचारे जा नहीं पाते। देख सकते हैं आप मिस्टर हेमंत गोयल, यू कैन सी हैव फॉर द बेस्ट। चलो गाइस फाइनली हमारी एंट्री हो गई है, मैं तो भूल ही गया था, ऑटोमेटिक डोर से। तो नाउ वी एंटर्ड, सारी आइडियाज चेक होगी हमारी। इन्फ्लुएंसर को कहते हैं कि घुसने नहीं देंगे, कह रहे हो इन्फ्लुएंसर को, उन्हें पता नहीं आने वाले टाइम का इन्फ्लुएंसर है वो, बहुत बड़ा है। ये तो गंदे बच्चे का है। अरे गंदे बच्चे का ये क्या काम आएगा आपके? इंडिगो का कहाँ पे है? चलो चेक इन कराते हैं, उसके बाद देखते हैं गाइस क्या अपडेट होता है हमारा। यू कैन जस्ट वेट एंड वॉच, इट्स 219 एंड कहाँ खाली पड़ा है वो भी देख रहा हूँ मैं एकदम, बिल्कुल जो खाली पड़ा हो। ग्लैमर कहाँ बैठा है? आई विल सी यू ग्लैमर, यस आई विल कैच इट, गो देयर। फाइनली वी आर रीच बोर्डिंग पास, देख सकते हैं मिल चुके हैं हमारे। ओहो हाँ, ये रहा ये रहा, चलो चलो ये लो। तो चल रहे हैं अंदर, यहाँ पे चेक इन होगा, उसके बाद देन वी आर गोइंग बैक टू गेन। छोटे से ब्लॉक्स पे हैं वो निकाल दो, थोड़े से ब्लॉक्स का जो है एंड जी मेरे को दे दो, स्कैन करो। फाइनली वी आर डन इन विद चेक इन, एंट्री हो गई। हेमंत भाई को पकड़ लिया था भाई साहब, उनकी ना बेल्ट उल्ट उतर गई थी भाई साहब, उनको रोक लिया किसी तरह हेमंत भाई को। अब देखो ऑल टाइम फेवरेट, घर का सामान वन सेट कर रहे हैं, अब यहाँ जाएंगे, देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, चिल मारेंगे। देखो बैंचों बंदे सो रहे हैं भाई यहाँ पे, इसको तो रेलवे प्लेटफॉर्म बना लिया। ग्लैमर इन द हाउस अगेन एंड भाई माई फ्लाइट टाइम इट्स अहमदाबाद, जोधपुर, मुंबई, वाराणसी। तो अब चल रहे हैं, भाभी का मेरे पास गेट पास है, मेन एंट्री यही है। भाभी की एंट्री तभी होगी अगर ये गेट पास नहीं होगा तो। अंकल अंकल बेल्ट उल्ट पहन रहे, तैयारी में है अपने, देख रहे हो शादी वादी में जाना है इन्होंने। तो चलते हैं गेट नंबर 30 to 35, इधर ही हमारा हमारा क्या गेट नंबर है इसमें भाई, द गेट नंबर इज़ व्हाट द फक इज दिस। अब यार उन्होंने उसको बोला नहीं यार कि सीट साथ साथ देना यार, क्या यार व्हाट द फक इज दिस। फाइनली हम एयरपोर्ट पे आते हैं और देयर इज माय सामने एरोप्लेन, तो अब लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। देखो क्या जर्नी स्टार्ट होती है और क्या नहीं होती हमारी, देखते हैं अभी कहाँ से क्या चीज़ होंगी और क्या नहीं होंगी हमारे साथ। यार गाइस मैं 10 रुपये की बॉटल खरीदा था कोक से, लेकिन हेमंत भाई देखो कैसे चाट चाट के पी रहे हैं। बटन दबाना होता मतलब किसी और को चटवानी है तो कांटेक्ट में। अच्छा बटन दबाना होता तब आती है, कई जगह यहाँ पे सेंसर होता है। अच्छा पैर पर दबाओ उसके बाद चाटोगे। ओए होए कैसे चाटते हैं, ऐसे चाटते हो? ना ना मैं अभी बॉटल एक तो कैरी कर ही लूँगा यार, कहीं रस्ते में काम आएगी वो बॉटल, इसलिए ये अच्छा बच्चों के लिए या फिर जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए है ना। यस आई विल गो नेचर कॉलिंग। सो गाइस यू कैन सी अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो यू कैन अगेन दिस बॉटल, दो बोतलें आएंगी आपके साथ, टपक टपक के देख रहे हो। फोन कर कस्टमर केयर नंबर पे हाँ, ये एक पकड़ो एंड दूसरी अगेन। ठंडा पानी है यार, मतलब सही तो है भाई, वो 70-80 रुपये का बेच रहे हैं। 10 रुपये का 20 रुपये का 1 लीटर हो गया, तो मैं वही तो बता रहा हूँ भाई, 80 रुपये का बेच रहे हैं। वो मेरे सामने वो बंदे सो रहे हैं, वो देख रहे हो सर के, वो देखो वहाँ देखा आपने, वो देखो वो सब छोड़ो, वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ पिछली बार आए वहाँ पे, वो देखो चेयर लगी हुई है, नहीं फ्री वाली है, फ्री है। अच्छा 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 हाँ देख सकते हैं हेमंत भैया को तुरंत ही बाया है, जो बियर देखते हैं इनके ना खुल्ला मिर्च लग जाती है तुरंत ही, देख रहे हो बस दारू जैसे देखे भाई, पहले रेट देखने कितने की है, फिर थोड़ा बनिया बुद्धि लगानी है, नहीं यार महंगी है इतने की तो बैंक में आ जाएगी। तो दिस इज भाभी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं देख सकते हैं आप, मतलब 300 रुपये का हाँ सही है, 300 रुपये का तो यार 100 रुपये का तो वैसे ही है, मतलब 200 रुपये अगर एयरपोर्ट पर आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 300 रुपये देख सकते हैं, फैमिली ट्रिप ही होता है देख रहे हो। तो अगर आप एयरपोर्ट पे भी आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से मतलब यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी। यू कैन सी शिशु क्रेडिट स्थल, शिशु क्रेडिट स्थल वो लिखा ना जैसे अपना जब वो ही थी कॉमनवेल्थ गेम उसमें भी ऐसे लिखा था ना क्रीड़ स्थल, ये सब चीज़ें देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए खेलने के लिए बच्चों के लिए, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट और डीमोटिवेट सही है वैसे यार। गाइस फाइनली चेक इन टाइम इज रेडी एंड नाउ वी कैन गो फ्रॉम दिस एंड आ चुके हैं ग्लैमर इन द हाउस। तो
पावर चार्जिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास नैप भी है। तो मैं भाई बेचारे बच्चे के साथ परेशान हो गए हैं, मैं तो सो रहा था, मेरे को जबरदस्ती उठा के ले आया कि नहीं नहीं चल चल चल, भाभी वहाँ पे परेशान तो चल रहे हैं। प्लेन खड़ा है हमारा और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड प्लेन। फाइनली वी एंटर अ प्लेन, सो VIP ट्रीट है मिल रहा हमारे को। हेमंत भैया की तरफ से रेफरेंस आ गया था वहाँ से पहले हमारी अनाउंस की गई कोई हैदराबाद पैसेंजर है कितना तेज एसी चल रहा है यार, देख रहे हो, बढ़िया। अंदर से जाएंगे अभी घुसते हुए, उस साइड से ही है ना, ना ये तो बैठने के लिए है, चेन सामान वान रखने के लिए। यस बंदे खड़े ही होंगे कोई ना कोई, तो यो 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 मैनी पीपल्स आर वेटिंग। फाइनली वी एंटर्ड इंडिगो एयरलाइंस। गुड नाइट। हम मस्त सोएंगे अब आराम से, नाइट शिफ्ट ख़त्म होगी हमारी अब। एयर कंट्रोल सो गाइस, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हेमंत भैया का बच्चा देख रहे हो कितना लक्की है यार, देख रहे हो भाई साहब, मैंने कहा हेमंत भैया देख रहे हो कितना लक्की है आपका बच्चा। हेलो नी, उसको बोल रहे हैं कि पारी कर दे, देख रहे हो भाई साहब, बाप पूरा सिखा रहा है, बाप पूरा सिखा रहा है कि किस तरीके से पुच्छी लेनी है, देख रहे हो भाई यार। तो गाइस देख सकते हैं आप, टाइम टू राइट नाउ इन स्टैंडिंग, वी आर गोइंग ऑन अ ready to fly, let's see, hope for the best, we are right now chilling, yes, okay, चलते हैं इस राइट नाउ 433 और रेडी टू फ्लाई, यहाँ से घूमता हो जाएगा, पहले अभी यहाँ से घूमेगा, वहाँ से घूमेगा, तीन चार जगह से घूमेगा, एंड देन सीधा हवाई जहाज, तो चलते हैं अब देखते हैं। गाइस फाइनली वी आर रेडी टू रोल और भाई उड़ने के लिए तैयार। हेमंत भाई देख सकते हैं किस तरीके से इनकी हालत खराब है, हां सुपर बाइक चला रहे हो, सुपर बाइक चला रहे हो, KTM 390 एडवेंचर उड़ रही है KTM 390 एडवेंचर उड़ रही है, देख सकते हैं आप किस तरीके से अपना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, डीमोटिवेशन, और ये देखो भाई साहब बिल्कुल एकदम तेज फुल फ्लाई पकड़ चुका है, देख रहे हो भाभी का एक्सप्रेशन, देखो भाभी थोड़ा सा भाभी चिल्ले हैं, ओ भाई चलो भाई जय बजरंग बली, ओ भाई गुदगुदी मच गई पेट में यार, गुदगुदी मच गई है, गुदगुदी मच गई पेट में चलो भाई भाई दिल्ली से ऊपर देख लो भाई, वो जा रहा गुड़गांव MG रोड टेका गुलाब है अभी तो गाइस नाउ वी आर बैक, अब सीधा मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में, अच्छा लग रहा है चलो कोई नहीं, अब सीधा अब मिलते हैं सीधा सुबह मॉर्निंग में, अब कुछ दिखाने का फ़ायदा है नहीं, लेकिन यार देखो कैमरा देखो पूरा जस्टिस कर रही है, अब कितना सही लग रहा है ना। At Hyderabad, you can see it's right now 6:32 and we reach it Hyderabad. तो चल रहे हैं अब सीधा, और यार कान दर्द हो गए, नींद तो आ गई थी ठीक-ठाक लेकिन कान जो है दर्द हो गए बहुत ज़्यादा, अब चलेंगे पहले पानी पियेंगे एक बोतल पूरी भर के ताकि मामला ओके हो जाए। चलिए भाई हैदराबाद आ गए, सोई नहीं है भाई मुझे तो बड़ी तगड़ी नींद आ गई थी तुरंत ही, ये गाड़ी में सोएंगे। मोबाइल फोन्स का चलो जय बजरंगबली, और शुरुआत होती है हमारी और नए से। गाइस भाई साहब इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो मतलब दिल्ली का भी नहीं, एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा नहीं है ये, है ना हेमंत भाई, एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा नहीं है ये, इतना बड़ा एयरपोर्ट तो दिल्ली का भी नहीं है, इंटरनेशनल है ना, मैं इसलिए आओ सुसु करके आता हूँ मैं अभी, हाँ मैं अभी जा रहा हूँ चलें। गाइस बच्चा सो चुका है, इसकी बैटरी जो है डाउन हो गई है, तो वी आर गोइंग ऑन अ नेचर कॉलिंग, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट एंड मी एंड लेट्स सी वेयर आर यू गोइंग, चलेंगे सुसु करेंगे उसके बाद। भाई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है कसम से, हम इंटरनेशनल पे खड़े हैं ना इसलिए। भाई साहब बहुत बढ़िया एयरपोर्ट बना हुआ देख रहे हो यार, मतलब इंटरनेशनल वाला है काफ़ी सही है, और लेकिन खाली खाली सा है बिल्कुल, और भाभी और ने यहाँ पे अपना पिकअप टोटो कर लिया, जैसे वहाँ चलती है बैंकॉक के अंदर क्या बोलते हैं उसको, टुक टुक, भाभी ने टुक टुक कार कर ली है,
तो इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। देखो आराम से फर्स्ट क्लास अब हम लोग चल रहे हैं आगे गेट नंबर 4 पे। काफ़ी लंबा स्ट्रेस है यार ये वाला जो है ना, तो वी आर गोइंग ऑन गेट नंबर 4 एंड माई का पार्किंग, माई ड्राइवर इज़ कमिंग आउटसाइड ऑफ द माई वेटिंग, तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। नाउ वी आर ट्रिप द इन्जॉइंग।